शिवजी और कुबेर में बड़ी मैत्री है और उसके चलते शिवजी उस पर कृपा करके कुबेर की अलकापुरी के पास ही कैलाश में बस गए, उसको सान्निध्य दिया। तो ये कुबेर कौन है, कहाँ से आए और उस पर शंकर जी का इतना अनुग्रह कैसे, तो वो कथा भी सुनाया। एक कांपिल्य नगर में कथा है, सुनो, आपको संक्षिप्त में सुनाऊं। एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, सदाचारी था, बड़ा अच्छा ब्राह्मण। उस यज्ञदत्त ब्राह्मण का एक बेटा था, उसका नाम था गुणनिधि। था तो वो गुणनिधि नाम से, लेकिन सारे दुर्गुणों का भंडार, कभी कभी यथा नाम तथा गुणा नहीं होता। इसका नाम था गुणनिधि और सभी दुर्गुणों का भंडार। ये लड़का इतना बिगड़ैल था, और यज्ञदत्त जैसा पवित्र ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, और उसका लड़का इतना बिगड़ैल। सोचा, जैसे शिव जी की मर्जी, शायद शिव जी ने ऐसा बिगड़ेल बेटा इसलिए मुझे दिया कि मुझे बेटे में आसक्ति न हो। जैसे अंग राजा को वैन जैसा दुष्ट पुत्र हुआ, भागवत की कथा। अंग भगवत भक्त थे और उसका बेटा वैन बड़ा दुष्ट, तो अंग राजा को दुख तो हुआ, लेकिन उन्होंने अपने मन को मनाया कि इसलिए भगवान ने ऐसा दुष्ट बेटा मुझे दिया कि भगवान मेरा ध्यान रख रहे हैं, मेरी रक्षा कर रहे हैं कि मैं कहीं बेटे में आसक्त न हो जाऊं, नहीं तो पुत्र में आसक्ति होती। और राजा अंग किसी को कुछ बताए बगैर चले गए वन में हरिभजन के लिए। तो भगवान का जो भक्त है वो तो हर स्थिति में भगवान की कृपा का ही दर्शन करता। तो यज्ञदत्त बड़े पवित्र ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, और बेटा ऐसा नालायक निकला, नाम गुण निधि, बड़ा उपद्रवी था, चोरियां करता था, लोग शिकायत लेकर के आते, सुन सुन करके यज्ञदत्त के कान पक जाते। एक दिन गुस्सा होकर के यज्ञदत्त ने अपने बेटे गुणनिधि को घर से निकाल दिया, जाओ यहां से। पछि के ना अपने त्या आना करता तो पेटे पाणो पाक्यो तो हारुत, ऐसा बेटा होने से तो ना होना अच्छा, निकाल दिया घर से। तो लड़का भटकने लगा, चोरियां करता, झूठ बोलता, सारे दुर्गुण, भटकता रहा। एक बार बहुत समय तक उसको भोजन नहीं मिला, कमाता तो था नहीं, दूसरा कोई काम नहीं करता था, भोजन नहीं मिला, बहुत भूख लग रही थी। तो एक बार उसने रात में किसी शिव मंदिर को देखा, तो सोचा कि जरूर यहाँ मंदिर में ये लोग भोग लगाते हैं तो फल है, कुछ मिठाई है, कुछ न कुछ मिल जाएगा। चोरी करने के भाव से वो शिवालय में घुसा, अंदर अंधेरा था, तुम्हारा रात्रि का समय, अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं पड़ा, भूख लग रही थी। तो उसने अपने उत्तरीय को, कपड़े को जलाया कि इसकी ज्योति में मैं कुछ देखूं, ढूंढूं, कुछ मिल जाए खाने के लिए। आया है वो चोरी करने, कुछ नैवेद्य मिल जाए, पेट भरना है, भूख लग रही है। कपड़ा जलाया अपना और उसके उजाले में वो देखता रहा। अब शिवालय में जब उसने कपड़ा जलाया तो शिवालय आलोकित हो गया, प्रकाशित हो गया। तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हुए। भोले बाबा ने बस इस रूप में ले लिया कि जैसे लोग आकर के दीप माला जलाते हैं, इसने दिया जलाया। हमारे यहाँ तो मंदिर में जाकर दिया जलाने का बड़ा महत्व है, कई धर्मों में है, कई लोग फिर मोमबत्तियां वहां जला के, बौद्धों में भी वहां जाकर के दिया जलाओ। उसकी इस चेष्टा से कहीं ना कहीं भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, जैसे शिव की जी के लिए दीप दान कर दिया हो उसने। खैर बाद में तो वो वहां से चला गया और लड़का चोरी करते करते एक दिन चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया और राजा ने उसको देह दंड दे दिया। बहुत उपद्रवी था, बहुत सी शिकायतें उसकी आती थी, देह दंड दे दिया गया, लटका दो उसको फांसी के फंदे पे। बिगड़े लड़का यज्ञदत्त का, ब्राह्मण का, देह दंड उसको दिया गया और उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया। अब ब्राह्मण था और बिगड़ेल था, पापी था, तो यमदूत आए लेने इस जीव को, गुणनिधि, यमदूत लेने। लेकिन उसी वक्त भोले बाबा ने अपने दूतों से कहा, शिव जी ने अपने दूतों से कहा, अरे जाओ उस लड़के ने जिसने दीपदान किया था उसको यमदूत ले जा रहे हैं, जाओ और उसको छुड़ाओ, यहां ले आओ मेरे पास शिवलोक में, उसने मेरे मंदिर में आकर के दीपदान किया, दीप जलाया। बोलो, अभी चोरी करवा गयो तो अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था इसलिए उसने अपना कपड़ा जलाया। इतनी ही बात, यहां आप शिव जी का अनुग्रह देखो, ये अनुग्रह का जो कार्य है वो शिव जी करते। शिव जी के दूत गए, शिवगण गए और यमदूतों से छुड़ाया उस जीव को, यमदूतों के बंधन से छुड़ा करके
ले गए शिवलोक में और शिव गणों का दर्शन किया और शिव गणों का संग मिला और इस ब्राह्मण बेटे की जो आत्मा, इसका हृदय शुद्ध हो गया और वह तत्काल शिवलोक में चला गया शिव गणों के साथ। वहां शिवलोक में दिव्य भोगों को उसने भोगा, उमा महेश्वर का सेवन किया और बहुत समय के बाद फिर वह जब उसका प्रारब्ध उसको ले आया तो जन्म के लिए कलिंग के राजा अरिंदम उसके बेटे के रूप में यह पैदा हुआ, नाम हुआ दम।